आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय हिंदी न्यूज में और इस वक्त मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। पाटौदी के स्थानीय महाविद्यालय की मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण छात्र शक्ति के नेतृत्व में सोमवार को धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल कर तालाबंदी की गई। विद्यार्थियों का कहना है कि राजकीय महाविद्यालय में किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, पानी बिजली एवं टॉयलेट बाथरूम की भी व्यवस्था नहीं है। कई बार स्थानीय विधायक, सांसद तथा प्रशासन को इन मूलभूत असुविधाओं को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन पिछले 2 वर्ष से प्रशासन के माथे पर जूं तक नहीं रेंगी है। छात्रों का कहना है कि वर्तमान में महाविद्यालय का नोडल कार्यालय पाटौदी से 90 किलोमीटर दूर बायतू में स्थित है, जहां पर छोटी छोटी समस्याओं को लेकर 90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसके अलावा यहां पर स्थानीय कर्मचारी भी नहीं है और न ही बैठने की पर्याप्त व्यवस्था है। वर्तमान में 390 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। बैठने की स्थान नहीं होने के कारण बालिका शिक्षा प्रभावित हो रही है। धरना प्रदर्शन कर रहे छात्र नेताओं ने बताया कि महाविद्यालय में बिजली पानी की व्यवस्था के साथ साथ स्थायी कर्मचारी रखे जाएं तथा इसका नोडल कार्यालय बायतू से हटाकर बालोतरा किया जाए। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार ने छात्र छात्राओं को 15 दिन में सुविधाएं मुहैया कराने का आश्वासन दिया, लेकिन छात्र नेताओं का कहना है कि अगर 15 दिन में इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो छात्र बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। उस वक्त कुछ भी मानहानि होती है तो जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों और अपडेट्स के लिए बने रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।